बलोचिस्तान के ज़िला तुर्बत में हफ्ते को पाकिस्तान टेलीविज़न के इलाकाई चैनल पीटीवी बोलान की मेज़बान और मुसविरा शाहीना शाहीन को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। तुर्बत पुलिस के मुताबिक शाहीना शाहीन को हफ्ते के दिन 12:30 बजे के करीब सिविल हस्पताल में ज़ख्मी हालत में लाया गया, जहाँ दौरान इलाज वो चल बसी। तुर्बत पुलिस थाने के एक अहलकार ने बताया कि ज़रूरी कार्रवाई के बाद मकतूला की लाश को लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया, जबकि लवाहिकीन ने किसी भी किस्म के मुकदमे के इंदराज के लिए कोई दरख्वास्त नहीं दी। शाहीना शाहीन पीटीवी बोलान के एक प्रोग्राम की मेज़बानी के अलावा एक मैगज़ीन की मुदीर भी थीं। वो बलोचिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से भी काफ़ी मुतहरिक थीं। इन्हें फ़न मुसव्वरी से भी लगाव था और उन्होंने अपने फ़न पारों की भी नुमाइश कर रखी थी। सिविल हस्पताल के MS डॉक्टर मोहम्मद यूनस ने बताया कि आज दिन 12 बजे के करीब शाहीना शाहीन को ज़ख्मी हालत में लाया गया, जिन्हें जिस्म के बाएं जानिब 3 गोलियां लगी थीं। दौरान इलाज वो जान पर न हो सकें। उन्होंने मज़ीद बताया कि शाहीना को जो शख्स हस्पताल लेकर आया था, वो शाहीना को हस्पताल छोड़ने के बाद फरार हो गया। उसने अपना नाम और पता भी गलत बताया था। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि 12:30 बजे टीचिंग हस्पताल तुर्बत में मेहराब नामी शख्स शाहीना नामी खातून को ज़ख्मी हालत में लाया, जो रास्ते में ही दम तोड़ चुकी थी, जबकि खातून को मुंतकिल करने के बाद मस्कूरा शख्स फरार हो चुका है। उन्होंने मज़ीद बताया कि वाकये के बाद पुलिस ने जाए वकूआ में वाकया एक सरकारी मकान से 9mm पिस्तौल और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर शाहीना शाहीन के कत्ल की वजह बज़ाहिर ज़ाती रंजिश नज़र आ रही है। शाहीना शाहीन की हलाकत की खबर वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर इस वाकये की शदीद मजम्मत का सिलसिला जारी है।